ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ असतो मा सद्गमय

सर्वेभ्यो नमः देववाणी संस्कृतम youtube चल दृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दिक स्वागतम मित्रों वाल्मीकि रामायण कथा हम पढ़ रहे हैं विशुद्ध वाल्मीकि रामायण ठीक है और बाईसवीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे इक्कीस कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं आज हमारी यह कक्षा होगी बाईसवीं कक्षा ठीक है ये विशुद्ध रामायण है इसको आधार बना करके के हम इस कक्षा को चला रहे हैं इसके अंदर प्रक्षिप्त विषयों को हटा दिया गया है प्रक्षिप्त विषय अर्थात महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी बाद में पश्चात बाद के लंबे काल में संस्कृत के लोगों ने ही अपनी मन मर्जी से अपने विचारों को उसमें उड़ेल दिया श्लोकों के माध्यम से सिद्धांतों के विरुद्ध भगवान श्री राम के जीवन के विरुद्ध उन सभी बातों को इसमें हटा दिया गया है ऐसी सभी बातों को हटा दिया गया है इस विशुद्ध रामायण में जो समाज में भगवान श्री राम के विषय में तथा रामायण कालीन पात्रों के विषय में भ्रांति उत्पन्न करती है जैसे भगवान हनुमान जी को बंदर का रूप लोक में प्रचारित प्रसारित कर दिया गया है उन सभी भ्रांतिपूर्ण विचारों को हटा करके तर्क की कसौटी पर जो सटीक बैठने वाले जो विचार हैं महर्षि वाल्मीकि उनको इसमें प्रस्तुत किया गया है उसी को हम शंख इसी श्रृंखला के माध्यम से पढ़ा रहे यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो पुस्तक की व्यवस्था आपके लिए की गई है देववाणी डॉट कॉम वेबसाइट से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और यदि आपको मेरी कक्षाओं में कोई संशय पैदा होता है कुछ बात आपको अटपटी लगती है तो पहले आपको इस पुस्तक को मंगा करके देखना चाहिए कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है ये विशुद्ध रामायण है हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे यदि आप पुस्तक को नहीं खरीद सकते हैं खरीदने का सामर्थ्य नहीं है तो आप इस सीरीज के माध्यम से भी भगवान श्री राम जो हमारे महापुरुष हैं उनके विशुद्ध जीवन को जानिएगा और भी रामायण काल के अन्य पात्र हैं उनके विशुद्ध जीवन को आप समझने का प्रयास कीजिए भ्रांति में मत जीवन बिता दीजिएगा भगवान श्री राम का नाम लेने से पहले हमें भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को जानना चाहिए ध्यान रखेंगे चलिएगा आइएगा मित्रों आपसे निवेदन करता हूं इन कक्षाओं को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहें और गत कक्षा में हमने आपको अठारह मास पढ़ाया था वृद्धाश्रम में अर्थात जहां विश्वामित्र जी का आश्रम है वहां पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं और भगवान श्री राम जी ने संध्या की है हवन किया यज्ञ किया है ये सब चीज आपको बता दी गई थी ठीक है और आज हमारा जो है एकोन विंशाह उन्नीसवा सर्ग है एकोन विंशाह सर्ग उन्नीसवा सर्ग हम पढ़ेंगे बालकांड चल रहा है मित्रों ये लिखा हुआ है उन्नीस और इसको आप ऐसे भी लिख सकते इस पूरे सर्ग में मारीच और सुबाहु राक्षसों का पराभव दिखाया है भगवान श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा इन दोनों का पराभव इसमें बताया गया है क्योंकि तो मुख्य रूप से मारीच और सुबाहु यही राक्षस विश्वामित्री जी को परेशान करते हैं वो यज्ञ नहीं कर देते हैं करने देते हैं गुल्ला करते हैं और भी गलत गलत चीजों को आश्रम में फेंकते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं तो चलिएगा आइएगा देखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी क्या कहते हैं इस विषय में आगे अथ तऊ देश का राजपुत्रऊ देश कालेक् वाक्यूता दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त हो देश काल को जानने वाले शत्रुहंता दोनों राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बोले अर्थात अपना उन्होंने संध्या हवन कर लिया उसके बाद में कि अब हमें क्या करना चाहिए विश्वामित्र जी हमें लेकर के आए तो क्या काम है ठीक है उस काम को और विस्तार से और कैसे उसमें सफल होना वो विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि बताइए गुरु जी क्या करना है महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं भगवं छो तुम इच्छा काले निशाचर संरक्षणी तऊ ब्रह्म तत्म ठीक है ये तह है यहाँ पर गलत लिखा हुआ सही कर लीजिएगा भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि उन दोनों राक्षसों से किस समय रक्षा करनी है ब्राह्मण कहीं ऐसा ना हो कि वह समय ही बीत जाए। हमें ये बता दीजिए वो कौन से समय आते परेशान करने के लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत चार वो आ जाए एकदम अचानक परेशान करने लगे तो हमें यह बता ये बताइएगा एवं रुबाण काकुत्स्थौ परमाणु कहते हैं इस प्रकार कहते हुए और युद्ध के लिए शीघ्रता करते हुए उन दोनों राजकुमारों की प्रशंसा कर आश्रम निवासी मुनियों ने कहा ठीक है अब क्या विश्वामित्र जी को उन्होंने पूछा तो विश्वामित्र जी ने क्या है यज्ञ के लिए दीक्षा ले ली और मौन धारण कर लिया है वो तो कुछ बोल नहीं सकते तो ये और दूसरे जो आश्रमवासी हैं उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कहा क्या कहा आद्य प्रवृति त्रात्रा षडरात्रं रक्षतम राघव युवां दीक्षां गतोषेषा मुनिः कहते हैं हे राजकुमारो जो आश्रमवासी अन्य जो साधु संत है उन्होंने कहा हे राजकुमारो आप छह दिन तक यज्ञ की रक्षा करें विश्वामित्र जी यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं वे छह दिन तक मौन रहेंगे तब कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है हम आपको सहयोग करेंगे आपको बताते रहेंगे क्या करना है ठीक है तो अब उन्होंने दीक्षा ले ली है महाराज जी ने आपको छह दिन तक उनकी रक्षा करनी है कहीं वो मारीच और वो आ ना जाए तऊ चन श्रुत्वा राजा पुत्र अनिद्रौरात्र तपोवन अक्षता और कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी यशस्वी और आलस्य रहित वे दोनों राजकुमार उन मुनियों के वचन सुन छह दिन तक उस आश्रम की रक्षा करते रहे ठीक है? उन्होंने अपना कर्तव्य जो दिया है उनको उन्हों काम उन्होंने पूरा निभाया अच्छा छह दिन तक रक्षा करते रहे अथ काले समागते आकाशे चमहान छदु प्रादु, प्रादुरासी कहते हैं कि पांच दिन तो निर्विघ्न समाप्त तो हो गए छठे दिन आकाश में भयानक शब्द हुआ छठे में दिन आ, क्या कहते हैं उपद्रव पैदा हो गया जिसकी संभावना थी वही हो गया मारीच्च सुबाह आगम्य भीम संकाशा रुधि सृजन कहते हैं मारीच सुबाहु और उनके साथ अन्य भयंकर राक्षसों ने यज्ञ वेदी पर रुद्र की वर्षा की टाइम वो आ गए और ऊपर से अपने प्लेन से आए होंगे ठीक है उस समय जो भी थे तो उनसे आए और वो यज्ञ वेदी जहाँ पर वो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे उस पर उन्होंने ऊपर से खून बहा दिया राक्षस अर्थात एक तरह से कह सकते कसाई है कसाई मैंने प्राणियों को मार करके खून लाए होंगे और ऊपर से डाल दिया लेकिन भयंकर राक्षस है इतने अच्छे काम आदि में भी ऐसे किसी को बिना मतलब के परेशान कर रहे हैं। तो रुद्र की वर्षा कर दिया था खून खून पटक दिया दृष्टारा जीव लोचन लक्ष्मण संप्रेक्ष रामो वचनमब्रवीत अब्रवीत तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं उन्हें अपनी ओर आते देख कमल नेत्र श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर बोले अब क्या उन्होंने जो दोनों राक्षस हैं उन्होंने क्या किया वो अब राम की तरफ आ रहे राम की तरफ आते हुए राम ने देखा तो लक्ष्मण की ओर देखकर के बोले राम जी ठीक है भाई अपनी तरफ आ रहे हैं अब पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्ता राक्षसान अनिलेन मानवास्त्रुता हे लक्ष्मण दुराचारी और मांस भक्षक राक्षसों को देखो तो देखो जैसे वायु बादलों को भगा देता है उसी प्रकार से मैं इन्हें मानव शास्त्र से अभी उड़ाता हूँ अर्थात उनको अस्त्र शस्त्र मिल गए तो उन्होंने कहा ये जैसे ऐसे आ रहे हैं जैसे बादल आते हैं ठीक है बादल आते हैं परंतु वायु चली जाती है तो वो बादल दूर चले जाते हैं वैसे ही भगवान श्री राम ने कहा ठीक है अभी मैं देखता हूँ मानव शास्त्र को चढ़ाता हूँ और इनको अभी ठीक करता हूँ एकदम भागते तो चले जाएंगे इधर अपनी तरफ नहीं आएंगे चिंता मत करो और कहते हैं मानव परमोदारम अस्त्र परम भास्वरम क्षेत्र परम क्रुद्धो मारीचो रसे मा राघव यह कहकर परमोदार श्री राम ने क्रुद्ध हो एक चमचमाता मानव शास्त्र मारीच की छाती में मार दिया ठीक है अर्थ वो होगा उनको का धनुष पर चढ़ा करके अथवा हाथ से हाथ से तो नहीं धनुष से चढ़ा करके मारा होगा ठीक है छाती में मार दिया मारीच दृश्य मारीचम रामो लक्ष्मण निर्घान दुष्ट चारिण और कहते हैं मारीच को भागते हुए देख श्री राम लक्ष्मण से बोले अब मैं इन निर्दयी और दुष्टाचारियों का भी बद करूंगा है अब इन दुष्टों को मारूंगा आदमी ठीक <laughs> है इत्युक्त्वा चाशो रालाघवं दर्शयन् निवा विग्रियसुमच्छु महच्छास्त्रं आग्नेयम् रघुनन्दनः सुबाहुरसेक्षिक क्षेपा शेष वायशया श्री लक्ष्मण जी से ऐसा कहा अपना हस्त लाघव दिखाते हुए राम ने आग्नेय शास्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मार दिया मानव शास्त्र मार दिया मारीच की छाती में और आग्नेय शास्त्र मार दिया उन्होंने सुबाहु राक्षस की छाती में उस बाण से बिद्ध सुबाहु भूमि पर गिर पड़ा और मर गया सुबाहु तो मर गया जी तो भग गया शेष बचे राक्षसों को राम ने वायव्य शास्त्र वायव्य अस्त्र चलाकर नष्ट कर दिया और भी उनके अनुयायी राक्षस थे ठीक है तो वो आए तो, तो उनको भी उन्होंने मार दिया वायव्य शास्त्र में वायव्य शास्त्री शास्त्र है वो अस्त्र है ठीक है अस्त्र का मतलब आ, अपने स्थान से फेंक करके दूर मारना तो वो भी मर गए उनके साथी सहत्वाराक्षसान सर्वान यज्जज्ञान दगुणंदनः ऋषिभि पूजितस्तत्र यतेन्द्रो विजये पुरा उन विघ्नकारी समस्त राक्षसों को मारने पर राम मुनियों से इस प्रकार पूजित हुए जैसे असुरों को मारने पर इंद्र पूजित हुए थे अर्थात जब उन्होंने मुनि तो लोग थे उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा कर दिया हमें तो बहुत तंग कर रहे थे <laughs> मुनि इतने प्रसन्न हुए जैसे कहते हैं उपमा रूप में कि मानो किसी समय इंद्र ने असुरों को मारा तो देवों ने इंद्र की पूजा की प्रशंसा की मानो वैसे ही रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को उन्होंने प्रशंसा की उसके आश्रम के जो अन्य मुनि लोग थे उन्होंने और कहते हैं यज्ञे समाप्ते तो विश्वामित्रो महामुनि मुनि निरी शो काकुत्थामेदम प्रवीत यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र दशों दिशाओं को उपद्रव रहित देख श्री राम से बोले ठीक है भैया यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त हो गया उन्होंने विघ्न नहीं कर पाया खून तो डाल दिया इजिबेदी पर उन्होंने पंपरियों को मार ही दिया भगा दिया तो विश्वामित्र जी ने दशों दिशाओं को उपद्रवमय कोई राक्षस ऐसा नहीं कुछ कर रहा तो श्री राम जी से बोले कृतार्थोस्मी महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्या मम इदं सिद्धाश्य मम इदं सत्यं कृतं वीरमहायशः सहिरामं प्रशस्यैवम् कहते हैं हे महाबाहो मैं कृतार्थ हुआ तुमने गुरु आज्ञा का अच्छी प्रकार पालन किया है हे यशस्विन राम तुमने सचमुच इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम कर दिया सिद्ध इसमें सिद्धि हो गया आश्रम में। चरितार्थ कर दिया है इस प्रकार राम की प्रशंसा कर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों के साथ संध्या करने लग गए अर्थात फिर अपनी दिनचर्या में लग गए तो इस सर में उन्नीसवें सर्ग में भगवान श्री राम ने सुबाहु नामक राक्षस का वध कर दिया है उसके साथियों का भी वध कर दिया है मारिच को छाती में मानव अस्त्र मारा था तो वो पर वो भग गया लग गया पर वो भग गया बच गया है ठीक है सुबाहु तो मर गया तो सुबाहू को तो आज काम कर दिया है विश्वामित्री को थोड़ा शांति की नींद अब आएगी थोड़ा तो चिंता मुक्त होंगे ठीक है पर अभी तो विवाद चलता ही रहेगा ठीक है तो ये आपका उन्नीसवा सर्ग समाप्त हो गया है आगे की कक्षा में हम बीसवा सर्ग पढ़ेंगे ठीक है इसी प्रकार से प्रकरण चल रहे हैं ठीक है बस इससे मैं कोई विशेष बात तो नहीं है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपना कर्तव्य जो भी उन्हें दिया गया उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं उनसे हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए हमें भी जो कर्तव्य मिला है कर्तव्य उल्टे सीधे काम नहीं कर्तव्य तो उसको हमें पूरा करना चाहिए चलिएगा आज की कक्षा में हमने उन्नीसवा सर्ग पढ़ा आगे की कक्षा में बीसवा सर्ग पढ़ेंगे और पुस्तक के माध्यम से भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं इस पुस्तक को मंगा करके हर घर में ये होनी चाहिए पुस्तक विशुद्ध रामायण ठीक है चलिएगा nama。Nam